कैसे हो आप सब। वैसे बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, उसके लिए सॉरी, पर आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं वेफल टाउन। ये आर्य समाज रोड पे है उत्तम नगर में, और यहाँ जाके हम बहुत कुछ खाने वाले हैं। तो इससे पहले कि ज़्यादा भीड़ हो जाए तो फटाफट तैयार होते हैं और फिर वहाँ मिलते हैं। तो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं वेफल टाउन पे। ये लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। ये है वेफल टाउन, द टाउन फॉर वेफल लवर्स जैसे कि मैं, और इसके एकदम साथ में हेयर माफिया सैलून। तो चलो करते हैं एंटर। तो एंटर करके सबसे पहले हम जाएंगे इनके किचन में, देखें ज़रा बन क्या क्या रहा है, फिर देखते हैं क्या ऑर्डर करना है। सबसे पहले यहाँ पर बन रहा है सैंडविच, तो देखो कितने अच्छे तरीके से बना रहे हैं। म्यूनीज डाली, सॉस डाली, और आगे सामान रखा हुआ है जो टॉपिंग्स, वो भी डाल रहे हैं। वाओ, मतलब दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर हम ये तो ऑर्डर बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी कुछ अलग खाएंगे जो हर बार नहीं खाते, पर दिखने में तो 10/10 है। आगे आगे देखते जाओ होता है क्या इसमें। बन गया है ग्रिल्ड सैंडविच, वो भी चीज़ वाला। वाओ, बहुत यम्मी लग रहा है देखने में। तो अब देखते हैं और क्या बन रहा है। जार, मतलब शेक तो होगा, और आइसक्रीम, क्या बात है। आइसक्रीम के बाद ये लोग डाल रहे हैं इसके अंदर ब्राउनी भी रखी हुई है। ओहो हो, कहीं ये चॉकलेट शेक तो नहीं बन रहा। दूध भी डाल दिया, अब तो पक्की बात है कि ये चॉकलेट शेक ही बन रहा है। वैसे जिस जिसको चॉकलेट शेक पसंद है वो कमेंट्स में बता सकता है, और आप कमेंट में ये भी बता सकते हो कि आपको कौन सा शेक पसंद है। इतनी चॉकलेट क्यों वेस्ट कर रहे हो भैया। ओह वाओ, दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है, तो पता नहीं टेस्ट में कितना टेस्टी होगा। ये तो लगता है ऑर्डर करना ही पड़ेगा। देखते हैं आप यहाँ पे क्या बन रहा है। मुझे तो लगता है कि कुछ चाइनीज़ बन रहा है, अंकल के बनाने के स्टाइल से ही पता लग रहा है। बट देखते हैं, पता लगेगा आगे क्या होता है। लो, अंकल के स्टाइल ने तो आग ही लगा दी, वो भी सचमुच की आग, कहने वाली आग नहीं खाली। ओ, मंचूरियन बन रहे हैं। मंचूरियन तो वैसे कुछ लोग तो राइस के साथ खाते हैं, फ्राइड राइस के साथ, पर कुछ लोग खाते हैं चाउमीन के साथ। आपको क्या लगता है किसके साथ खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मंचूरियन आपके सामने आए तो आप उसे किसके साथ खाना पसंद करोगे। सारे कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेड है, जो मन करे कमेंट्स में वो बोल सकते हो। लो, मंचूरियन की भी होगी प्लेटिंग।
हमने तो दिया है वेफल ऑर्डर करने पे। अब देखते हैं ये लोग वेफल हमारा कैसे बनाते। ओ माय गॉड, इतनी सारी चॉकलेट, देखते ही खाने का मन कर गया। क्या बात है, ये हमारा ही वेफल बन रहा है जिसको हम देख रहे हैं अभी। और ये कर दिए अंकल ने मशीन बंद, और क्या घुमाया है। लो हो गया वेफल रेडी। हाई चॉकलेट बचा हो गया। और सच में ये खाने में इतना टेस्टी है ना, इसको देख के ही बता सकते। चलो बहुत हो गई किचन की सैर, अब चलते हैं कुछ खाने। तो सबसे पहले हम खाएंगे अपने दोनों वेफल, एक ब्राउनी वाला और एक ब्लूबेरी वाला वेफल, वो भी कट्ठे, और फिर देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आता है। Which one is better? एक ही बारी में दो ना। So how can you differentiate the taste? हाँ। इसका chocolate chocolate taste है। Okay। दूसरे वाला इसका। इसके बाद हम खाएंगे कुरकुरे पनीर मोमोस। ओह वाओ, इतने टेस्टी, पर साथ ही साथ बहुत गर्म भी है। मेरी एडवाइस यही है कि ठंडी होकर खाएं। और अब खाएंगे चीज़ फुल पिज़्ज़ा। इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। आप मेरी अगली वीडियो में आ सकते हैं, और अब मुझे पिज़्ज़ा एंजॉय करने दो। परेशान मत करो, देख रहे हो कितना बढ़िया चीज़ फुल हो रहा है। तो आज की ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म, और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे साथ बने रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर देना प्लीज़। और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। और तब तक के लिए बाय बाय, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें।